10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की, 14,000 से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस निवेश के महाकुंभ में हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने प्रणाम समर्पित करते हैं। साथ ही हम माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक्सेलरेशन फॉर नेशन, इस सूत्र वाक्य के साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन है। आज का ये आयोजन उस इंजन की रफ्तार को एक्सेलरेट करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके हम सब की ओर से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंगल मूर्ति विनाशक भगवान श्री गणेश, हर शुभ कार्य में सबसे पहले हम जिनकी स्तुति करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। सर्वप्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस भव्य एवं विराट समारोह में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र देकर भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विराट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने वाले, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले हम सब के प्रेरणा सूत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख, हम सब के अभिभावक, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश को एक उन्नत खुशहाल राज्य बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले प्रदेश के कर्मठ एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के सभापति माननीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों, सम्मानित डेलीगेट, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है। आज की सुबह एक नया सवेरा लेकर आई है। आज हम सभी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा के ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यह चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक स्वर्णिम आयोजन है,
जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनहरा और उज्जवल बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस डबल इंजन की सरकार में सरकार के दो मजबूत पहिए हैं जो उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की गाड़ी को दुगनी रफ्तार प्रदान कर रहे हैं। एक विकास का पहिया है और एक पहिया है विरासत का। अभी 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति के उत्थान का महापर्व देखा है और आज 19 फरवरी को औद्योगिक प्रगति महाकुंभ के आयोजन संपन्न हो रहा है। फरवरी 2023 में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसे एक साल के दौरान यह निवेश बढ़कर 40 लाख करोड़ पार कर गया है। इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश की इस चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास आपके कर्मकमलों से होने जा रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। उद्योग की स्थापना और निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है विश्वसनीयता। जब कथनी और करनी एक हो तभी निवेशकों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपकी विश्वसनीयता का जो आपने मापदंड स्थापित किया है वह भारत के औद्योगिक विकास का मूल आधार बनकर के उभरा है। आपने दावों से आगे बढ़कर संकल्पों को आत्मसात किया है। चाहे वह धारा 370 की समाप्ति हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के भव्य और नव दिव्य मंदिर का निर्माण हो, पूरे देश ने आपके द्वारा लिए गए संकल्पों को एक एक करके संकल्प से सिद्धि तक पहुंचते हुए देखा है। यही कारण है आपके द्वारा कही गई हर एक बात को देश की जनता गारंटी समझती है। देश के उद्योग जगत को भी आपकी गारंटी पर अटूट भरोसा और विश्वास है। आज के इस निवेश महाकुंभ के पीछे आपकी यही गारंटी समाहित है। आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का स्पष्ट प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और विस्तार को दर्शाती है। आज के इस समारोह की बुनियाद पर भविष्य में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भव्य इमारत खड़ी होगी। पिछले 10 वर्षों में भारत आर्थिक रूप से बेहद सशक्त और आत्मनिर्भर हुआ है। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और पूरा देश यह जानता है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज की यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप का आरंभ है। एक बार फिर से ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व समारोह में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अंत में पूरे देश की जनभावनाओं को दो पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को पूरा भारत है निछावर, मोदी सारी दुनिया की नजर है आज हिंदुस्तान पे। पूरा भारत है निछावर, मोदी जी के शान पे सारी दुनिया की नजर है आज हिंदुस्तान पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। निवेश से बदल रहा है परिवेश, विकास की तेज रफ्तार, यही तो है उत्तर प्रदेश।
अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय सांसद लखनऊ एवं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल जी गुप्ता, सभापति विधान परिषद कुंवर मानंद सिंह जी, सभापति विधानसभा श्री सतीश जी महाना, पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेन जी चौधरी, श्री जसवंत जी सैनी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एवं विभिन्न उद्योग जगत के हमारे स्टालवर्ट्स देवियों वत्सज्जनों, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपकी यहां पर उपस्थिति ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आपके नेतृत्व व मार्गदर्शन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत प्रगति कर रहा है, वह अपने में अभूतपूर्व है। साथियों, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूं और एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विचार, घटना या फिर मुद्दे को अलग तरीके से देखने का प्रधानमंत्री जी का जो नज़रिया है, वह आपको बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि आपदा देखता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देखता है। जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं। जहां एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टिकोण से आने वाले हजार साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो। पिछले 10 वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। साथियों, आज का दिन तो आप सभी उद्यमी बंधुओं का दिन है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर भी विशेष बात करना चाहूँगा। एक समय था जब जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच की मुलाकात को बड़े संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उद्योगपति से मिलना उसके राजनीतिक कैरियर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि राजनेताओं और उद्योगपतियों का गठजोड़ राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है। कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं था कि राजनेता और उद्योगपति यदि साफ नीयत के साथ मिलकर काम करें तो राष्ट्र कितनी तेजी से प्रगति करेगा। लेकिन यहीं पर मूल अंतर दिखाई देता है किसी सामान्य जनप्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री जी में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से ही यह देश देख रहा है
कि किस प्रकार आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर गुजरात में बदलाव की एक ऐसी बयार लेकर आए जिसकी सुगंध सारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में दूर दूर तक फैली है। आज देश के अनेक राज्य, यहां तक कि गैर भाजपा शासित राज्य भी विकास के गुजरात मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात के लिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच के संबंध को अपने संकल्प और अपनी राजनीतिक सुचिता के माध्यम से देश के विकास की एक अनिवार्य शर्त बना दी है। मुझे यह देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता होती है साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं उसकी परिणति यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आश्वस्त हूँ हमारा उत्तर प्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रदेश समेत पूरे देश को वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आज लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को लेकर विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। एक 140 करोड़ भारतीयों के सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए निरंतर साधनारत दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में
विभिन्न देशों के सम्मानित राजदूत और हाई कमिश्नर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण और उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने वाले देश और दुनिया से आए हुए उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधुओं, मैं सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और अभी हाल ही में यूएई में अबू धाबी में दुनिया का पहला भारत का मंदिर स्थापित करने के लिए आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रकृति, परमात्मा और प्रतिभा की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। हम सभी का सौभाग्य है आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो को स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी
गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य दो संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज GBC4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस GBC4 में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने का एक अद्भुत क्षण होगा। उत्तर प्रदेश नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वह वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। हमारा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन से आप सभी सुपरिचित हैं। देश का 55% एक्सप्रेसवे इसी प्रदेश में है, सबसे बड़ा रेल और रोड नेटवर्क भी यहीं पर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन इसी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के कोने कोने से में मैन्युफैक्चरिंग के केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। हमारी तैयारी है कि अगले वर्ष की शुरुआत में जब आप
प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आए तो गंगा एक्सप्रेस वे सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो सके। आज उत्तर प्रदेश में जल थल और नव की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड स्टेट के बंधन को समाप्त कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जलमार्ग से जुड़ चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहाँ लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है, न विल पावर का अभाव ही। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी का परिणाम है कि आज हर निवेशक यहां आना चाहता है। इसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है और नीतियों में पारदर्शिता भी। उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में FDI और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है। इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे, इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्किल स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। यह भूमि भगवान श्री राम की है, गोपेश्वर श्री कृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है। माँ गंगा यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इस भूमि को प्राप्त हुआ है। यह धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है, यह उद्यम और उद्यमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं यह उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर तेजी के साथ अग्रसर है। मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो चतुर्थ संस्करण आज यहां पे संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की प्रगति में उभरेगी विकसित भारत की तस्वीर। हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एलईडी स्क्रीन नहीं है, बल्कि कंटेनर्स पर प्रोजेक्शन के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश के विकास के एक नए आयाम को इंगित करता है। वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिफल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के मात्र एक वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की 14,000 से अधिक की विकास परियोजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं, जिससे 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने की कृपा करें और इसके साथ ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर एक फिल्म। बटन दबा मिलेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय कृष्ण से लेकर अयोध्या के रामलला की जन्मभूमि वो भूमि जिसने परिवर्तन को ही अपना लक्ष्य माना। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित सुदृढ़ कानून व्यवस्था का ही ये परिणाम है जिसने डबल इंजन सरकार वाले उत्तर प्रदेश को व्यवसाय और निवेश दोनों के दृष्टिकोण से उत्तम के साथ साथ उद्यमशील प्रदेश भी बना दिया है। नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तीव्र गति से कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज का उत्तर प्रदेश सक्षम, शिक्षित और कुशल युवा शक्ति का एक समृद्ध स्रोत है। यहां नारी शक्ति और उसका विकास प्रदेश का मान भी है और सम्मान भी। देश और दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन होने के साथ विभिन्न व्यापार कार्यक्षेत्रों का केंद्र भी है। राज्य सरकार अपने प्रयासों से प्रतिदिन एक नया इतिहास लिख रही है और यही कारण है जिसने आज उत्तर प्रदेश को बना दिया है एक्सप्रेसवे प्रदेश, समर्थ प्रदेश। कौशल प्रदेश, एयरपोर्ट प्रदेश, अवसर प्रदेश और सुगम प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश की छवि को एक व्यापार अनुकूल राज्य के तौर पर पूरे विश्व के सामने स्थापित करने में उन ऐतिहासिक परिवर्तनों का अतुलनीय योगदान है जो पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में हुए हैं। फिर चाहे वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए
लॉन्च की गई नई FDI नीति हो या इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, सस्टेनेबिलिटी और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए गए अभियान हो या देश में EV की हिस्सेदारी में अपना वर्चस्व कायम रखने की बात हो, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम हो, रक्षा प्रणाली को और सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संरचना हो, या फिर राज्य की फार्मा उद्योग का केंद्र बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश आज न सिर्फ निवेशकों के साथ खड़ा है बल्कि हर प्रकार की सहायता, संसाधन और समर्थन भी प्रदान कर रहा है। और इन अविश्वसनीय उपलब्धियों का श्रेय जाता है गत वर्षों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट को, जिसने राज्य को संभावनाओं का प्रदेश बना दिया और इस श्रृंखला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मील का पत्थर साबित हुआ। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई नीतियों का ही ये परिणाम है जो इतने कम समय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फोकस सेक्टर्स के साथ विकास हेतु अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुए, जिसने प्रगति के नए द्वार खोल दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। अब इस नए वर्ष में भी विकास की ओर निरंतर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ प्लस के निवेश की 14,000 से भी अधिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ अपने लक्ष्य के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार है। पूर्व में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत शुरू हुई परियोजनाएं जो आज उत्तर प्रदेश का गौरव है, न सिर्फ नए और प्रगतिशील निवेशकों का मनोबल बढ़ा रही है, साथ ही साथ ऊंची से ऊंची उपलब्धियों को छूने के लिए प्रेरित भी कर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश की धरती को विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय का हब बनाकर सफलता और विकास के नए मानक स्थापित करना है। आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो विकसित भारत जो शिक्षित भी है, समृद्ध भी, उज्जवल भी है, प्रगतिशील भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। इट्स टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। Acceleration, Born Nation. उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की ये अनूठी फिल्म आपने देखी। विरासत और विकास का पर्याय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की यश कीर्ति को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें, मंच पर पधारने की कृपा करें। आप सबकी तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल ने मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, यूपी के उपमुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष श्री, अन्य महानुभाव, देश विदेश से यहां आए औद्योगिक क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे परिवारजनों, आज हम यहां विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी से हाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है।
डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब दोगुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच तो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। चार पांच दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, उस पर चलते ये संभव ही नहीं था। वो सोच क्या थी? सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ,
उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो। पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो दो चार बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में, ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी। लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। आप देखिए, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है। इसमें 1.5 लाख लाभार्थी परिवार मेरे यूपी के हैं। हमारी सरकार ने आयकर में जो कमी की है उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए की आय पर ही इनकम टैक्स लग जाता था, जबकि बीजेपी सरकार में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। हाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है, इसमें भी यूपी के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोड़ा गया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव शहर शहर पहुंची है। सैचुरेशन यानी 100% लाभ जब सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाती है तो वही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। आप याद करिए, भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी।
अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली पानी गैस कनेक्शन हो, ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। साथियों, मोदी आज उनको भी पूछ रहा है जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। शहरों में हमारे जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन होते हैं, पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। अभी तक इससे देशभर में रेहड़ी पटरी ठेले वालों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। यहां यूपी में भी 22 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को इसका लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। आप मुझे बताइए, ऐसे साथियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी ठेले वालों की खरीद शक्ति को भी बढ़ा दिया है। एक और अध्ययन में पता चला है कि स्वनिधि योजना के करीब 75% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहन है। इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। पहले इन्हें बैंकों से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। आज इनके पास मोदी की गारंटी है और इसलिए उन्हें बैंकों से भी मदद मिल रही है। यही तो सामाजिक न्याय है जिसका सपना कभी जेपी ने देखा था, कभी लोहिया जी ने देखा था। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के निर्णय और उसकी योजनाओं से सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। आपने लखपति दीदी के संकल्प के बारे में जरूर सुना होगा। बीते 10 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। इनमें से अभी तक, आप उद्योग जगत के लोग हैं, जरा यह आंकड़ा सुनिए, अभी तक 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अब सरकार ने तय किया है कि कुल
3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे। हमारे देश में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। आप कल्पना कीजिए कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनने से हर ग्राम पंचायत में खरीद शक्ति कितनी बढ़ेगी। इसका बहनों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। ये ताकत है यहां के एमएसएमईज, यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमईज का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इनसे भी एमएसएमईज को बहुत लाभ होगा। साथियों, यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है। कहीं ताले बनते हैं, कहीं पीतल की कारीगरी है, कहीं कालीन बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती है, कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है, कहीं चिकनकारी का काम होता है। इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। अब तो हम 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं। ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा, उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार कैसे काम करती है, इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी। और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं। साथियों, कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे। ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया। कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई, जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया। मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना, और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की। आज स्थिति यह है कि हमारा इंपोर्ट, हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौनों का निर्यात कई गुना बढ़ गया है। साथियों, यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति
वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए, एयरलाइंस कंपनियों के लिए, होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। और मेरा तो एक आग्रह है, मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं, देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाएं तो उसमें से 10% बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखें। आपके लिए वो कठिन नहीं है क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। अगर उसमें 10% जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे, वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी। मैं इन दिनों एक और बात कहता हूं, ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना, उनको जरा ज्यादा चुभती है, लेकिन मैं आग्रह से कहता रहता हूं, आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है, अमेरिका मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश कि आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे। देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है, देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं, बेहतर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से यूपी में आना जाना बहुत आसान हो गया है। वाराणसी के रास्ते बीते दिनों हमने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस को भी शुरू किया है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है, ये भी यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले समय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनने वाले हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे भी आधुनिक के साथ जोड़े, सशक्त करें और नए सेक्टर्स में भी कमाल करें। आज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है। हम भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी में, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए। इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे 30,000 रुपये से लेकर करीब करीब 80,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। यानी जो 100 यूनिट बिजली हर महीने जनरेट करना चाहता है उन्हें 30,000 रुपये की मदद मिलेगी,
जो 300 यूनिट या उससे अधिक बिजली बनाना चाहेंगे उन्हें करीब 80,000 रुपया मिलेंगे। इसके अलावा बैंकों से बहुत सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक आकलन है कि इससे इन परिवारों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, साल में 18,000 रुपये तक की बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे इंस्टॉलेशन, सप्लाई चेन और मेंटेनेंस से जुड़े सेक्टर में ही लाखों रोजगार बनेंगे। इससे लोगों को 24 घंटे बिजली देना, तय यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी आसान हो जाएगा। साथियों, सोलर पावर की तरह ही हम इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले साथियों को PLI योजना का लाभ दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 34.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। हम तेज गति से इलेक्ट्रिक बसें उतार रहे हैं, यानी सोलर हो या फिर EV, दोनों सेक्टर्स में यूपी में बहुत संभावनाएं बन रही है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे। इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। ये उनकी सोच में नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उनसे सौदेबाजी की बहुत कोशिश की थी। चौधरी साहब ने PM की कुर्सी को त्याग दिया पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उनको राजनीतिक सौदेबाजी से नफरत थी। लेकिन दुख की बात है कि उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम दलों ने चौधरी साहब की बात को नहीं माना। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। साथियों, हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है। ये किसानों को काम कम लागत में अधिक लाभ वाली खेती है और इससे
गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है। आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। आज आपके प्रयासों से ही सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, चंदौली का ब्लैक राइस हो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है। विशेष रूप से मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। इस सुपर फूड को लेकर इन्वेस्टमेंट का भी ये सही समय है। इसके लिए आपको किसानों को उनकी पैदावार में मूल्य वृद्धि कैसे हो, पैकेजिंग कैसे हो दुनिया के बाजार में, मेरे किसान जो पैदा करता है वो कैसे पहुंचे, इसके लिए आगे आना चाहिए। आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। हम किसान उत्पाद संघ एफपीओ और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यू एडिशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इस अवसर का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी, और मैं योगी जी को उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए, जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी, अनंत अवसर की वेला है, आइए दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। साथियों, जब लाखों लोग उत्तर प्रदेश के आज इस बात को सुन रहे हैं, 400 स्थान पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, तो मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं, आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी सारी संकल्पों को पूरा कर देगा। आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। आप विराट स्वप्न और विराट संकल्प का साहस और बल हमें देते हैं। आपका सानिध्य और